नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूप ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। पदमपुर एसएस आदर्श स्कूल ने नए साल के उपलक्ष्य में श्री सुखमणि साहिब पाठ करवाकर सुख स्वास्थ्य समृद्धि हेतु विद्यार्थियों, अभिभावकों व अन्य लोगों ने श्रद्धा भाव से गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष सामूहिक रूप से प्रार्थना की। प्रधानाचार्य ओम प्रकाश कालिया, अध्यक्ष अशोक कुमार कालिया ने कहा, छात्र छात्राओं की उन्नति के लिए प्रतिवर्ष श्री सुखमणि साहिब पाठ व सुंदरकांड पाठ करवाया जाता है। उन्होंने वर्तमान में युवा वर्ग पश्चिमी सभ्यता का आधुनिकीकरण पर भारतीय संस्कार नष्ट होने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, प्राचीन भारतीय संस्था पुनर्जीवित करने हेतु धार्मिक आयोजन नीम का पत्थर साबित होते हैं। तो हमने सीबीएसई 19 बीबी जो विद्यालय शुरू किया है, पिछले साल उसको 10वीं तक एफिलिएशन मिली थी और इस साल सीनियर तक एफिलिएशन जो है एफिलिएशन मिल चुकी है। इसके लिए पूरे एरिए को गर्व महसूस करना चाहिए। हम आपसे इस गुरु महाराज की उपस्थिति में प्रॉमिस करते हैं कि एजुकेशन के मामले में पदमपुर को एक राजस्थान के जो अच्छी संस्थाएं हैं उनसे भी बढ़कर के इंडिया लेवल की, वर्ल्ड लेवल की संस्था देना चाहते हैं। वहीं पदमपुर श्री बालाजी धाम से चांदना धाम के लिए पैदल यात्रियों का जत्था ढोल नगाड़ों व धार्मिक भजनों पर भव्य नृत्य करते हुए मुख्य मार्गों से रवाना हुआ। जगह जगह सेवा भावी संस्थाओं के द्वारा स्वागत किया गया।